Hi, in this class we will discuss about general properties of SPDF block elements. तो सबसे पहले अपन S block elements की properties पढ़ेंगे. इसको पढ़ने से पहले अपन ये जान लेंगे कि S block कौन से group के elements को बोलते हैं. तो group number 1 और 2 के elements को S block बोला जाता है. अब इनमें कौन कौन आते हैं? हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर लिखा जा रहा है लिथियम, देन सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रूबीडियम, उसके बाद सीजियम एंड फ्रांसियम. ये है ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स. ऐसे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम. ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं. ये दो ग्रुप्स को कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तो इनकी अपन को करेक्टरिस्टिक देखनी है, ठीक है. अच्छा, इसको याद कैसे करें? जैसे हाइड्रोजन सबसे टॉप पर है लेकिन उसकी पोजीशन क्लियर नहीं है, इसके लिए उसको अलग से रखा हुआ है. तो वैसे ग्रुप वन को याद कर लेते हैं, हे ली ना की रब से फरियाद. और ग्रुप टू को अपन याद कर लेते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. तो ये याद करने का भी तरीका है. अब इनके बारे में अपन पॉइंट्स लिखेंगे. सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलते हैं? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होता है, ठीक है, उन्हें एस ब्लॉक कहा जाता है. तो इनकी खासियत क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस ऑर्बिटल, तो उन्हें एस ब्लॉक कहते हैं. एक्सेप्शन इसमें है हीलियम. जो हीलियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, इसमें भी एस आ रहा है लेकिन इसको एस ब्लॉक नहीं कहेंगे. ये कंप्लीटली फिल्ड है इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखा हुआ है नोबल गैस में. तो इनके अंदर ये खास बात है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है. जैसे एग्जांपल अगर अपन देखें तो लिथियम का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो हो जाएगा 1s2 2s1. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? एस ऑर्बिटल में. ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मैग्नीशियम. इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? इसमें वही एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है. तो जिनमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा उन्हें बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तीसरी बात, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इनका होता है ns, या तो 1, ग्रुप 1 वालों का 1, या ns2. मतलब ऐसे लिख सकते हैं ns1 या फिर 2, ठीक है. तो ग्रुप 1 वालों का 1 होगा और ग्रुप 2 वालों का 2. तो ns, लास्ट में n आएगा, देन s आएगा, फिर या तो 1 आएगा या ns2 आएगा, ठीक है. अच्छा, अब इनकी और क्या खासियत होती है? ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं. ये होते हैं सॉफ्ट मेटल्स. जैसे सोडियम नाइफ से भी कट जाता है ना, तो ये सॉफ्ट मेटल होते हैं. और इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी होता है वो भी लो होता है. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है इनका? लो. तो ये सॉफ्ट मेटल है, इनकी वॉल्यूम जो होता है एटॉमिक वॉल्यूम वो बड़ा होता है, ठीक है. तो डेंसिटी इनकी कम रहती है, तो डेंसिटी कम होने के कारण ये सॉफ्ट मेटल है. तो इनकी जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. अब इनका वॉल्यूम जो होता है ना, पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे बड़े वॉल्यूम्स हैं, सबसे बड़ी जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो एस ब्लॉक है. इनका वॉल्यूम बड़ा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी. डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसी का कारण ये सॉफ्ट है, और डेंसिटी कम है इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो है. अच्छा, और क्या इनकी खासियत होती है? ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव. जैसे सोडियम को पानी में डालते ही वो फायर कैच कर लेता है, तो ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. इनकी और क्या खास बात है? इनकी साइज बड़ी होने के कारण ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है. ये रिएक्टिव होने का रीजन हो गया. इनकी और करेक्टरिस्टिक क्या है? दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड. ये कंपाउंड्स बनाते हैं आयनिक, जैसे NaCl,
तो ये प्लस और माइनस से मिलके बना हुआ कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं नॉन मेटल को, तो ये पॉजिटिव बन जाते हैं, नॉन मेटल नेगेटिव, और ये कंपाउंड कौन सा बनाएगा? आयनिक। अच्छा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ग्रुप वन वालों की प्लस वन होती है, ग्रुप टू वालों की प्लस टू होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये बॉन्डेड स्टेट में ये क्या चार्ज शो कर रहा है, ठीक है ना, बॉन्डेड स्टेट में इसकी क्या चार्ज है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये NaCl है तो बॉन्डेड स्टेट में क्या चार्ज दिख रहा है इसका? प्लस वन। ऐसे मैग्नीशियम बॉन्डेड स्टेट में प्लस टू, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से लूज कर देते हैं उनको अपन बोलते हैं अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो 8 पॉइंट में अपन लिख सकते हैं ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, और यह खास बात है, ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास और वो आराम से निकल जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। अच्छा, ये ग्रुप वन वाले जो मेटल हैं इनको एल्कली मेटल्स बोला जाता है, और ये पानी में डालने पर एल्कली का फॉर्मेशन करते हैं, और ग्रुप टू को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब ये अर्थ में एल्कली के फॉर्म में मिलते हैं इनके कंपाउंड्स। तो ये अपन ने सबसे पहले यहाँ पर ये सीखा इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो पहले मेंबर होते हैं ना, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ये आयनिक करेक्टर कम दिखाते हैं, इनमें कौन सा करेक्टर होते हैं? कोवलेंट। तो ये आयनिक कंपाउंड में बनाते हैं, इनका एक्सेप्शन अपन देखें, तो एक्सेप्शन देखें तो ये अपन बोल सकते हैं कि जो लिथियम है और बेरिलियम, इनकी बहुत स्मॉल साइज होती है, वेरी स्मॉल साइज, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इनके पास थोड़ी कम रहती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम है और शेयर करने की ज्यादा है, तो सो फॉर्म, तो इसलिए क्या बनाते हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट नेचर के होता है, तो इनका नेचर क्या होता है? कोवेलेंट, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो लिथियम और बेरिलियम जिनकी स्मॉल साइज होती है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना उनको ज्यादा पसंद नहीं है, उनको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना ज्यादा पसंद है, तो वो कोवेलेंट नेचर होता है इनका। तो इस तरह से ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गई है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में, जिसमें भी एस ऑर्बिटल है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन NS1 या NS2 होता है। सॉफ्ट मेटल होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, रीजन ये वॉल्यूम ज्यादा होता है, साइज ज्यादा होती है, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम तो मतलब सॉफ्ट होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, बहुत रिएक्टिव होते हैं, बड़ी साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करने के कारण ये हाईली रिएक्टिव है, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। एक्सेप्शन लेकिन लिथियम बेरिलियम, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन या प्लस टू रहती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, बहुत कम एनर्जी से लूज कर देते हैं। तो अपन ये भी बोल सकते हैं इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है, बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी है, पूरी पीरियोडिक टेबल में इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बना देते हैं, और ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। ये क्या है? हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये अपन ने सारी किसकी करेक्टरिस्टिक देखी अभी? एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब अपन देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज अपन सीखेंगे। तो बी पी ब्लॉक में आता कौन है? ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। ये ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर 13 में कौन आता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम,
ठीक है। ग्रुप 14 में कौन आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ। इनके नीचे की जो और एलिमेंट्स हैं उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है ना। जैसे ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और ग्रुप नंबर 17 में देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और ग्रुप नंबर 18 में देखें तो एक तो नोबल गैस हीलियम आ रहा है, फिर फ्लोरीन के सामने नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये जो 7th पीरियड है इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिया जाता है। तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो इनकी अपन को जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। ठीक है ना, इन सभी की अपन को जनरल बातें सीखनी है, कॉमन बातें सीखनी है। तो ये ग्रुप जो है पी ब्लॉक, इनके पहचान कैसे होती है? लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता है। तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, इसमें एंटर होता है इन पी ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता है। फिर एक्सेप्शन हीलियम का है, हीलियम में तो नहीं आता, 1s2 ही होता है, लेकिन फिर भी उसको इधर रखा है क्योंकि नोबल गैस को सबको 18वें ग्रुप में अलग से रखा हुआ है। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑक्सीजन 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 2p4। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? पी में आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो जिनके भी लास्ट में पी आए उन्हें क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक। दूसरी बात, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका होता है NH2, NP, किसी में एक होगा, किसी में दो, किसी में तीन है, किसी में चार, किसी में पांच, किसी में छह। तो NH2, NP 1 से लेकर 6, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे अगर अपन इसके जस्ट ऊपर वाला जो एग्जांपल देखा हो उसमें अपन देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने क्या लिखा, तो वो आ रहा है अपने पास 2s2, 2p4। ठीक है, तो इसको एज ए मान सकते हैं NH2, NP4। चलिए अब अपन तीसरी करेक्टरिस्टिक देखेंगे, दे कंटेन मेटल्स। इनमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, और क्या होता है इसमें? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, ये सब चीजें आ जाती है इन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। मेटल भी आ जाते हैं, नॉन मेटल भी आ जाते हैं, मेटलॉइड भी आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये जो टेबल बना रखी है इसमें अपन देखें तो ये कुछ एलिमेंट्स में बना रहा हूं, ये मैंने कुछ एलिमेंट्स बनाए हैं। ये जो एलिमेंट्स बनाए हैं ये 7, ये मेटलॉइड है, और इनके इस साइड में सारे मेटल्स हैं। ये सारे मेटल्स हैं इनके लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये जो चीजें हैं ये सारी क्या है? नॉन मेटल्स कैटेगरी में है। तो बीच में डिवाइड कर रहे हैं मेटलॉइड। मेटल्स और नॉन मेटल्स को कौन डिवाइड कर रहा है? मेटलॉइड। ठीक है, तो दे कंटेन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये सब चीजें इनमें होगी। अच्छा, अब 9th करेक्टरिस्टिक अपन देखेंगे। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है।
इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। जैसे फास्फोरस है तो +3 स्टेट भी दिखाता है और किसी के साथ +5 स्टेट में भी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है इन एलिमेंट्स में। अब जैसे नाइट्रोजन है तो किसी के साथ +2, किसी के साथ +4, किसी के साथ +5, है ना, ऐसे स्टेट्स में भी बता देता है। अच्छा, इनकी और क्या खासियत होती है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, दे आर बैड कंडक्टर। ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इनका जनरल नेचर क्या होता है? दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, दे जनरली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो इनका जनरल नेचर क्या है? अधिकतर ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अपन ने जनरल करेक्टरिस्टिक देखी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आता है, ये इनकी सबसे मेन खास बात है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2NP6 है। इनके अंदर क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलाइट सब है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बाकी तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले हैं। अगर इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें ना, मतलब इनको अगर इलेक्ट्रॉन दें और ये एनर्जी निकाले तो बहुत हाई है, इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब हाई है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एबिलिटी, ठीक है, ये भी बहुत हाई है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है ना, तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन को पुल करना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब कितनी एनर्जी निकालना इलेक्ट्रॉन को लेने पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कितनी एनर्जी निकालेगा इलेक्ट्रॉन लेने पर। इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींचेगा और फिर क्या करेगा? एनर्जी निकालेगा। तो कितनी एनर्जी निकाल रहा है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और कितना अच्छे से खींच रहा है वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इनके अंदर हाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ये सब चीजें पी ब्लॉक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अपन सीखेंगे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल बातें। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अच्छा डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन आते हैं वो अपन देखते हैं। एक तो 3D सीरीज, एक 4D सीरीज, एक 5D सीरीज, एक 6D, यहाँ तक इनकी स्टडी करी जाती है। 3D, 4D, 5D, 6D, ठीक है। 3D सीरीज में कौन कौन आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक, ऐसे 4D सीरीज में भी आते हैं। येट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, ठीक है ना, रोडियम, पैलेडियम, ये सब चीजें आती है। सिल्वर, ठीक है ना, येट्रियम आता है, जिरकोनियम आता है, नियोबियम आता है, मोलिब्डेनम आता है, टेक्नीशियम आता है, रूथेनियम आता है, ठीक है, और ऊपर एक कोबाल्ट नहीं लिखा अपन ने।
ये सीरीज है। तो रुथेनियम आता है, रोडियम आता है, देन पैलेडियम आता है, सिल्वर आता है, कैडमियम आता है, और क्या आता है 5D सीरीज में? 5D सीरीज में यहाँ लेंथेनम आता है, हैफनियम आता है, टेंटेलम आता है, देन टंगस्टन, डब्ल्यू सिंबल है, रेनियम, देन ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर। और 6D सीरीज जो है उसमें एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डूबनियम, सीबॉर्जियम, बोरियम, हेसियम, मैटनीरियम, डार्मस्टैडशियम है ना, रॉन्टजीनियम, ये चीजें आती है। और फिर आईयूपीएसी नेम बाकी के दिए जाते हैं। तो ये 3D सीरीज के कुछ एलिमेंट्स। तो 3D सीरीज के एलिमेंट्स अपन ने बना दिए, और 4D भी बना दिया, 5D भी बना दिया। ये सारे एलिमेंट्स अपन ने सबसे पहले बना दिए कैरेक्टरिस्टिक देखने से पहले। तो पूरी सीरीज याद होनी चाहिए, तब जाके कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी, और आगे के और जो कंसेप्ट होते हैं अलग से वो भी पढ़ने में आपको हेल्प रहेगी। तो सबसे पहले आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक अपन देखेंगे, ठीक है? तो चलिए अब अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो सबसे पहली कैरेक्टर जैसे सभी में लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, स्कैंडियम। इसका एग्जाम्पल अपन ने लिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ दिख रहा है? डी ऑर्बिटल में दिख रहा है। जिनमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आएगा उन्हें बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर इनकी बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होता है? n-1 d, 1 से लेकर 10 ns। ns में क्या क्या इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। किसी में 0 होगा, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है। तो यहां पर ऊपर देखें तो ऊपर क्या आ रहा है, NS2 N-1 D1। तो ये अपना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गया। जितना भी N है मतलब S के आगे जो लगा हुआ है वो N है, उससे एक कम होगा D में, उससे एक कम होगा D में, और फिर D के अंदर कितना तक के इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 से लेकर 10। इनकी चौथी करेक्टरिस्टिक, इनमें मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक में कौन होते हैं? मेटल, दे कंटेन मेटल्स। अच्छा, इन मेटल्स की खास बात क्या है? ये मेटल हार्ड होता है, ठीक है ना, ये मेलेबल होता है। जैसे आयरन कितना हार्ड है, मेलेबल मतलब इनकी शीट बन जाती है, आयरन की शीट बन जाती है ना, डक्टाइल, वायर भी बन जाता है, ठीक है। और इनमें हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनकी खास बात है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हार्ड है तो मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, पास पास होंगे पार्टिकल्स। अच्छा, इनकी और खास बात क्या है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि आयरन है तो आयरन+2 भी दिखाता है, आयरन+3 भी दिखाता है ना, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे मैंगनीज है तो +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +7 भी दिखाता है ना, वेरिएबल। अच्छा, और क्या खास बात है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी से ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो ले ले उन्हें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का नेचर रखते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का पेयर कोई दूसरा एलिमेंट दे रहा हो किसी एलिमेंट को, तो फिर वो जो बॉन्ड बनता है उसे नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरा पेयर,
तो उन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, इनके कंपाउंड्स कलरफुल होते हैं, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है ना, आयरन सल्फेट FeSO4 .7H2O, ये डर्टी ग्रीन कलर का होता है। तो इनका नेचर कलर्ड कंपाउंड बनाने का है। ये कैटलिस्ट के रूप में भी काम आते हैं, एक्ट एज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के रूप में भी काम आते हैं, जैसे कि ऑयल है उसमें हाइड्रोजन डाला तो एज ए कैटलिस्ट निकल, या फिर पैलेडियम है ना, या प्लेटिनम डाला और वो ऑयल बन गया वनस्पति घी में। तो इनका ये भी नेचर है कि भाई ये कैटलिस्ट के रूप में काम आते हैं, ठीक है। ये अलॉय भी बनाते हैं, इनकी 10th करेक्टरिस्टिक है फॉर्म अलॉय, अलॉय फॉर्मेशन भी कर सकते हैं ये, ठीक है। अच्छा, ये कोवेलेंट और आयनिक दोनों तरह के कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्म बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। दोनों तरह के कंपाउंड बना सकते हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे आयरन है कॉपर है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक अपने देखी डी ब्लॉक के एलिमेंट की। तो लास्ट सबसे मेन चीज है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरेगा, एक एग्जाम्पल देना है आपको, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन करना है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये तो अपने स्कैंडियम का करा। एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, N-1d 1 से लेकर 10, और NS में 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक देखिए, ये मेटल है, ये हार्ड है, ये मेलेबल और डक्टाइल भी है, जैसे आयरन कॉपर। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, इनमें मेटेलिक बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, +2 भी दिखा देता है, कोई +3 भी दिखा देता है, मतलब एक ही एलिमेंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब भी किसी से इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर भी ले सकते हैं। तो अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर ले लें तो उसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट आप जानते हैं ब्लू कलर का होता है, कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन की स्पीड को चेंज करने के काम आते हैं, अलॉयज बनाते हैं ये, ठीक है। कोवेलेंट और आयनिक दोनों तरह के कंपाउंड बना सकते हैं, और अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये करेक्टरिस्टिक हो गई डी ब्लॉक की। अब देखेंगे अपन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की करेक्टरिस्टिक। तो इनमें भी वो पहली बात तो वही होगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में फिल होगा, पहली करेक्टरिस्टिक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, एस ऑर्बिटल में फिल होगा। इनके अंदर भी वही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है, N-2 F 1 से लेकर 14, N-1 D 0 या 1, और NS2। तो ये सबसे मेन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अच्छा, अब तीसरी बात देखते हैं, इसमें एक सीरीज को बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज। लैंथेनियम के बाद की जो एलिमेंट है ना, सीरियम से लुथेशियम तक, तो ये 58, ये 71, ये पूरी सीरीज जो कहलाती है लैंथेनॉइड सीरीज कहलाती है। ये होती है एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनियम नाम का एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग से रखा गया है, थोरियम से लॉरेंशियम तक। ये 90, और लॉरेंशियम कितना होता है, 103। अच्छा, इसमें एक खास बात और ध्यान रखनी है, 92 एटॉमिक नंबर के बाद जो एलिमेंट है उनको आर्टिफिशियली बनाया गया, उन्हें बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट।
आफ्टर यूरेनियम 235 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रखे हैं, आर्टिफिशियल बना रखे हैं। तो इसके बाद जो एलिमेंट है यूरेनियम 235 जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, मास 235 है, आफ्टर यूरेनियम 235 मतलब 92 एटॉमिक नंबर वाला, ऑल एलिमेंट्स आर आर्टिफिशली मेड, तो उन्हें सिंथेटिक एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोमीथियम के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं, सिंथेटिक हैं, इन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी कहते हैं। अच्छा, इनका मास ज्यादा है तो हैवी मेटल भी कह सकते हैं ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोल सकते हैं, इस एफ ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोल सकते हैं, हैवी मेटल। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है इनका भी, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +2, +3, +4, +5 ऐसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एलिमेंट है ये भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बनाते हैं, फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। इनके कंपाउंड भी कलर्ड होते हैं, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड होने का कारण क्या होता है कि भाई जब कंपाउंड बन रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन एक साइड हाईर स्टेट में चल जाते हैं, फिर वापस लोअर स्टेट में आते हैं तो कलर रिलीज करते हैं तो अपन को दिखाई देता है ना। फ्लेम का अगर टेस्ट करते हैं ना जैसे एस ब्लॉक का, तो कलर दिखाई देते हैं ना वैसे। और इनमें जो एक्टिनॉइड्स है ये रेडियो एक्टिव है, इनकी तो प्रॉपर्टीज भी ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई। एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज भी ज्यादा स्टडी नहीं करी है, ठीक है ना। तो अपन एक बार फिर से समझते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, इनमें क्या प्रॉपर्टीज अपन ने ये सीखी है। तो अपन ने प्रॉपर्टी सीखी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन n-2f 1 से लेकर 14, n-1d 0 से 1 n-2, लेंथ एंड सीरीज। यहाँ 58 से 71 वाले को लैंथेनॉइड बोलते हैं और 90 से 103 वाले को एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट है वो सब आर्टिफिशियली बनाए रखे हैं, ठीक है। यूरेनियम से पहले भी एक एलिमेंट आता है प्रोमीथियम जो कि लैंथेनॉइड सीरीज में आता है, उसको भी आर्टिफिशियल बना रखा है। बाकी तो यूरेनियम के बाद ही जो एलिमेंट है न्यूप्टोनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम है ना, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मैंडलीवियम है ना, नोबेलियम, लॉरेंशियम, ये सारे आर्टिफिशली बना रखे हैं। इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, +3, +4, +5, हैवी मेटल्स होता है ये, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बना लेते हैं और कलर्ड होते हैं इसके कंपाउंड। एक्टिनॉइड तो रेडियोएक्टिव हैं तो जिनकी स्टडी भी ज्यादा नहीं हो पाई है, ठीक है ना। तो ये सब बातें अपन ने देखी एफ ब्लॉक एलिमेंट की, तो एफ ब्लॉक में ये सब चीजें होती है खास। तो मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, इनका आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे ज्यादा ये चीज पूछ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको ध्यान है तो आप ये क्वेश्चन निश्चित रूप से अटेंड कर लेंगे। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट वापस देख लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए इसको जो जो लिखा हुआ है। अगर कभी भी ऐसा जाए किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसी का ज्यादा है, तो उसका अपन रीजन क्या बताते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मेटेलिक बॉन्ड से शो होता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री ज्यादा होते हैं ना उनमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। जैसे अब ग्रुप वन वाले हैं तो उनमें तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ही है, कम ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा तो वो उस जो बॉन्ड बना रहा होगा वो भी कमजोर बनाएगा दूसरे एटम्स के साथ। तो जिनके पास लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कम है उनका मेटेलिक बॉन्ड कमजोर, और मेटेलिक बॉन्ड अच्छा नहीं है, मेटल की आपस में अट्रैक्शन अच्छी नहीं है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो। तो ग्रुप वन वालों का लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होने का कारण ये है, ठीक है। और किसी का ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है तो उसका लॉजिक यही है कि उनके लास्ट ऑर्बिट में क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है
जो कि इधर उधर जा रहे हैं और सब एटम्स को बांध के रख रहे हैं। तो ये अपन को चीज ध्यान रखनी है कि किसी का मेल्टिंग पॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, इसका रीजन ये अपन को ध्यान रखना है। अच्छा, फ्लेम टेस्ट भी आप ध्यान रख लीजिए। जैसे ये एस ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं ना, फ्लेम टेस्ट भी देते हैं, जैसे कि लिथियम है, ठीक है ना, ये क्रिमसन रेड कलर देता है, रेड भी बोल सकते हैं। सोडियम है, ये ऑरेंज येलो कलर देता है। पोटेशियम है, ये वॉयलेट, फ्लेम पर जलाने पे ये कलर आता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, फिर वहां से वापस अपनी जगह पर आते हैं तो कलर इम्पार्ट करते हैं। रूबिडियम ये रेड कलर का है, रेड वॉयलेट। सीजियम ये ब्लू कलर का है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेम टेस्ट। अगर फ्लेम में इनको रखेंगे तो इनका कलर क्या आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ब्लॉक्स आप एक बार लिखिएगा सबकी करेक्टरिस्टिक, तो आपको याद हो जाएगी। थैंक यू।